But I was looking forward to that oil. I will give you. Of छुरी के नीचे दम ना लिया जाता उनसे भैया. Last time मैंने याद है आप किस तरह. Yeah, I remember now. कोई remember नहीं. अभी थोड़ी देर पहले मैंने कही थी. नहीं हम तो foundation लगाते नहीं हैं. सनब्लॉक सबसे पहले आप हाथों पे लगाएं. हाथों पे यूज करें. एज जो है ना आपके हाथों में आती है. मेरी एज साफ झलक रही है इस बात की मैं कोई एक तो बाबर और बाबर बहुत ही छोटा 20 साल का लड़का हूं. वो राबिया हैज अ लॉट ऑफ इश्यूज. आधे बाल नहीं बन करते पूरे नहीं करते. तो एक काम करते हैं हम चैनल खोल लेते हैं राबिया के मसले. हानिया को लास्ट टाइम मैंने ये दिस इज अ न्यू थिंग आई एम गोना टॉक अबाउट इट. और फिर ये लगाया. शी वाज इन लव विद दिस. एक और मैंने चीज देखी है. ब्लश यहाँ लगा के ना यहाँ भी हल्का सा लगाती. बट मैंने कुछ लड़कियों के इतने वो देखे. वो ब्लश नहीं. हाँ जो सॉरी बाबा इतनी बेइज्जती करने की तो जरूरत नहीं है यार. वी आर डन विद द लुक. आंखों में काजल की वजह से जो राबिया की अपना एक्चुअल कलर है आंखों का हनी कलर बहुत ज्यादा पॉप हो रहा है. द न्यू एंड इम्प्रूव्ड राबिया. इम्प्रूव्ड. Hey guys, Assalamualaikum. This is Rabia and I have with me Babar Zaheer. Assalamualaikum. Waalaikum Assalam. क्या हाल है राबिया आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आज बाबर मैं दोनों जरा से घबराए हुए भी हैं. बाबर ज़्यादा घबराए हैं. मैं नहीं घबराए भाई, खुद घबराए हुए भाई. हाँ अभी. Because I told her that I'm gonna do something different on her this time. So she's like, अच्छा क्या बता दो. तो मैंने कहा, that's I'm not gonna reveal. So let's see what I'm gonna create today. And are you excited for that? हमने बाल स्ट्रेट किए इस लुक के लिए. बट आज हम इनके जेलो वाली आइकॉनिक हेयर स्टाइल देंगे जो कि जेलो हमेशा हाफ टाइल नीचे से स्ट्रेट हेयर होते हैं. और she also does like beach waves but I don't want to do beach waves because last video mein humne beach waves kiye the. So this time I thought about it and I was like theek hai aaj hum karte hain straight baal but with the jello pony. Yeah and main bahut kam baal band karti hu especially ye half pony to maine pure nahi kare na band. Ha lekin of Rabia has a lot of issues. Aadhe baal nahi band karte pure nahi karte. Curly karungi straight karwa lo. Acha baba ye fair baat nahi hai yaar. Ek cheez maine ye secret mein baat hui thi ye yahan camera pe share karne wali baat hai. To maza to sara yahan hai na. I really want people to see what how we're fighting on camera. So should we start the start acha saath saath mere sawal jawab bhi. Bilkul bilkul. Sabse pehle aap bataye. Ek minute sorry. हम पहले सनब्लॉक लगाते हैं जो कि मेरे असिस्टेंट ने सनब्लॉक नहीं रखा है तो मैं से दोबारा मांगूंगा. ये खत्म हो रहा है. मैंने अपने हाथों पे लगा लिया था. हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग टिप बाबर ने आती साथ दी कि सनब्लॉक सबसे पहले आप हाथों पे लगाएं. हाथों पे यूज करें. यस देन पुट इट ऑन योर फेस cuz एज जो है ना आपके हाथों में आती है. मेरी एज साफ झलक रही है इस बात की मैं कोई एक तो बाबर और बाबर के छोटा 20 साल का लड़का हूं. आई एम 20 इयर्स ओल्ड. सो हु इज डाउटिंग इट. यू आर डाउटिंग इट. व्हेन Yes, she just said Babar has. I said no, I have no doubt. I'm showing my hands. No, you were so conscious कि मैं ऐसा लग रहा हूँ, मैं वैसा लग रहा हूँ. No, my mother was just ripping me. She's like, इधर आओ. मैं सुबह निकलता. She's like, बात सुनो, कुछ लगा लेना मुँह पे. So आज मैंने, you can see मैंने concealer लगाया थोड़ा सा. वो भी बाहर खड़ों के, Fuchsia magazine के बाहर, मतलब बाहर बाहर के. He was so conscious कि कोई देखे. I was not conscious. My mother just told me, you know. हाँ. जब अम्मा कहती है तो वो बात ज्यादा आपके यहाँ अटकती है. Exactly. But thank you for sharing the tip because मैं हमेशा face पे लगाती हूँ sunblock लेकिन हाथ पे मुझे नहीं ख्याल आया. No, you should always put sunblock on your hands also because आपकी जो हाथों की स्किन है वो बहुत रिंकल्स होते हैं इसमें ज्यादा. तो ये ज्यादा जल्दी एज करती है. मैं इनफैक्ट लगा के साइड पे कर देती हूँ फिर हाथ पे कोई और मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लेती हूँ. No, put first this whatever the SPF you have. उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगाएं या पहले मॉइस्चराइजर लगा के फिर वो कर लें. मैं यही पूछने वाली थी. पहले अप टू यू योर चॉइस. और व्हाट अबाउट अगर मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक को मिक्स कर दें तो अजीब ग्रीसी सा नहीं बन जाएगा? पता नहीं. आई डोंट नो. आई हैव नेवर ट्राइड दो बट यू कैन ट्राई इट. यू शुड बी ट्राई टुडे. नहीं फॉर यू गाइस. नहीं थैंक यू. ऑन राबियाज हैंड. नो नो. सो फर्स्ट वी गोना पुट यू सरीन एसपीएफ 50. आज आप मुझे वो ऑयल नहीं दे रहे. पहले नहीं, पहले मैं सनब्लॉक लगाना चाहता हूं. ओके but I was looking forward to that oil actually. I will give you. Of छुरी के नीचे दम ना लिया जाता उनसे भैया. मुझे अभी तक याद हो because you used it last time. वो इतना अच्छा था. अब मेरा बेचारा सांसें तोड़ रहा है. सांसें तोड़ रहा है बेचारा. उसकी हालत खराब हो गई है. इसीलिए मैंने कहा जल्दी से मैं भी यूज करूं. हानिया को लास्ट टाइम मैंने ये दिस इज अ न्यू थिंग आई एम गोना टॉक अबाउट इट. और फिर ये लगाया. शी वाज इन लव विद दिस. तो मैंने अभी ऑर्डर किया मैडम के लिए. तो उसकी वो सीक्वेंस बताएं. या सो फर्स्ट वी गोना पुट द ऑयल. ओके तो सनब्लॉक पहले लगा लें. डजंट मेक अ डिफरेंस. डजंट मैटर. उसके बाद वी गोना पुट द हाइड्रा प्रो ग्लो फ्रॉम कीको. व्हाट इज दिस? इज आल्सो फॉर हाइड्रेशन.
अभी विंटर्स चल रहा है तो विंटर्स में होता है कि हमारी स्किन पे रिंकल्स नजर आ रहे होते हैं या ड्राइनेस की वजह से ना वो लगता है कि मैंने कल एक सेल्फी ली थी जिसमें मेरी आंखें यूं लग रही थी तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे आई नीड मोर मॉइस्चर. बट इसका कलर भी डिफरेंट है, इसमें क्या कुछ वो भी नो, इट हैज ग्लो. सो जस्ट आप रब करें आपकी स्किन का कलर बन जाता है. इट हैज अ ल्यूमिनस लाइक यू नो फिनिश लगाने के बाद. आई विल गिव यू नाइस ड्यू ड्यूई फेस. सॉरी, आफ्टर दैट आई एम गोना यूज द सी बूस्टर फ्रॉम डॉक्टर एस वाई एस सी बूस्टर. दिस इज अ कोरियन ब्रांड. मैंने फरहा को भी रिकमेंड किए थे आज. और ये बेचारा ये भी सांसें ही तोड़ रहा है करीब. आखिरी नाउ शेक इट फर्स्ट एंड देन क्लोज योर आईज. सो हाउ मेनी प्रोडक्ट वी हैव यूज्ड? सनब्लॉक, ऑयल, हाइड्रो प्रो एंड देन सी बूस्टर. फोर. या फोर प्रोडक्ट्स. ओके, दिस इज अ प्रेप व्हाट वी डूइंग राइट नाउ. खोलो आंखें अब. हां जी खोल सकते हैं. मैंने आपने खुद ही बंद की थी. सी बूस्टर का क्या फायदा होता है? सी बूस्टर ये विटामिन सी होता है. इट हैज़ ऑयल एंड रोज वाटर इन इट. बट आई डोंट नो द कॉम लाइक इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके, बिकॉज सारा कोरियन में लिखा है. बट दिस इज एक्सेलेंट. जहाँ से मैंने ऑर्डर किया है ये लाहौर का कोई ब्रांड है जो कि पाकिस्तान लेके आए. कोरियन प्रोडक्ट. इसका पीलिंग सोल्यूशन है इनका और मैं बेच रहा हूँ बकाया. जैसा ये पूरी बात करते हैं ना. हाँ, लेट्स टॉक अबाउट दिस. बट अभी नहीं, थोड़ा एंड में. सो फर्स्ट वी गोना यूज फेंटी का टिंटेड मॉइस्चराइजर. सो वी डोंट नो हम कर क्या रहे हैं, हमने ये नहीं बताया. हम बताएंगे नहीं अभी, दो मिनट के बाद ना. दिस इज अ सरप्राइज मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी. जो भी बाबा कह रहे हैं वो आज देखेंगे कि क्या हो रहा है. सिर्फ ये बताएं बाल कैसे बनेंगे, मेकअप में क्या हो रहा है ये नहीं पता. ये भी क्रीम की तरह लगाता है. नॉट लाइक वो. नो, आई डोंट पुट फाउंडेशन. लास्ट टाइम याद है आप किस तरह? या आई रिमेंबर नाउ. कोई रिमेंबर नहीं. अभी थोड़ी देर पहले मैं से कहती थी नहीं हम तो फाउंडेशन लगाते नहीं है. सो अब हम एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे. ठीक है, उसकी मदद से जो इन्होंने टिंटेड मॉइस्चराइजर लगाया है उसको हम स्किन में पुश करेंगे. अब मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ टार्ट का कंसीलर जो कि है मीडियम शेड के अंदर. अच्छा बाबा बताएं तीन चीजें मेकअप रूटीन में या मेकअप में. ब्लश, कंसीलर, मस्कारा. पता नहीं मैंने सवाल किया. हेलो. अच्छा सॉरी गलती हो गई. हाँ पहले अच्छा, सवाल तो सुन ले. जी सवाल ये है क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए ताकि एजिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा डिले किया जाए. कम फाउंडेशन यूज़ करें. ओके okay. यूज़ अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत है तो आप फाउंडेशन कम और कंसीलर ज़्यादा लगाएं. दैट्स हाउ इट वर्क्स फॉर मी. मतलब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं लेस फाउंडेशन मोर कंसीलर. जैसे मैंने इनकी टिंटेड मॉइस्चराइजर लगाया विच डज नॉट हैव एनी लाइक यू नो कलर, बट लगा के वो न्यूट्रल से कलर बन जाता है आपकी स्किन का. उसके बाद व्हाट आई डू आई पुट कंसीलर ज़्यादा, क्योंकि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आँख के नीचे होती है. जैसे आप देख सकते हैं कि हम सब कंसीलर लगाते तो आपकी आँख एकदम ब्राइट हो जाती है. सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ आई एम यूजिंग अ कंसीलर और बहुत ज़्यादा नहीं लगी ना, लिटरली तीन चार डॉट्स. अच्छा मुझे ये बताएं अगर आप अवॉइड करना चाह रहे हैं कि मेकअप का कि आपकी लुक जो है बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है ऐसा नहीं लग रहा हो तो उसके लिए क्या दो तीन चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए? देखिए मैच्योर आप किस तरह से बोल रहे हैं? एक सवाल तो ये, एक तरफ हम कहते हैं कि मैच्योर ना लगे. दिमागी तौर पे तो मैच्योर हर कोई बन जाता है बट ऊपर से कोई मैच्योर नहीं जाता. क्यों? इन द सेंस इस सवाल का सवाल का जवाब दें पहले. ये बहुत नहीं पर्सनल चॉइस है, आपका दिल चाह रहा है. बट कुछ लोग बट कुछ चीज़ें होती है ना जब आप मेकअप करते हैं तो आप कहते हैं यार ये इस तरह की मुझे लुक नहीं चाहिए, बहुत सीरियस, बहुत इंटेंस या बहुत मैच्योर लुक आ रही है. आई मे बी आई डोंट वांट इट. तो वो क्या गलती हुई हो सकती है? जैसे मैं ऐसी बोल रही हूँ ज्यादा मेकअप जो है ना वो आपको मैच्योर दिखाता है. डिपेंड्स ऑन डिफरेंट पीपल. लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी जो लड़कियाँ हैं उनका कलर इतना अच्छा है कि वो कम मेकअप में प्यारी लग जाती है. हमारी 95% लड़कियाँ इतनी प्यारी है. जैसे राबिया अभी बहुत प्यारी है, स्किन साफ है बिना कुडूस हैट्स ऑफ टू हर कि इन्होंने बिना मेकअप बैठ जाती हैं, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग. आज बल्कि शी इज वेरी कंफर्टेबल. आई वाज नॉट कंफर्टेबल इन द मॉर्निंग एट ऑल. हां आज बाबा ने मुझे के मेकअप के साथ मैंने कहा अच्छा क्या मैं आज बहुत बुरी लग रही हूं या बहुत थकी हुई लग रही हूं कि आप कह रहे हैं मैं 2 मिनट. मैंने कहा अच्छा भाई देखी जाएगी जैसा भी है, बस आई एम सिटिंग विदाउट मेकअप. मैं ये कह रही थी जैसे बहुत डार्क लिपस्टिक लगाए ना तो उससे कभी कभी आप बहुत ज्यादा, ये मेरा मतलब था. तो मे बी अवॉइड अ डार्क लिपस्टिक यू नो. बट जब आप डार्क लिपस्टिक पहने तो फिर आप कोशिश करें कि कोई बेस आंखों पे कुछ ना करें, इसे मस्कारा लगा के डार्क लिपस्टिक लगा लें. दैट्स मोर देन इनफ फॉर एनी लुक. जैसे अभी विंटर्स हैं, शादियां चल रही हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारे क्या हो रहा है कि हम आंखें भी डार्क कर लेते हैं, होंठ भी डार्क कर लेते हैं और इतने बड़े पैच बनाते हैं ब्लश ऑन के विच इज़ टेरेबल. सो वट यू हैव टू डू पुट डार्कर लिप्स, न्यू आईज और जस्ट आई लाइनर ऑन डार्क लिप्स. दैट्स ऑल्सो वेरी गुड कॉम्बिनेशन. एक और मैंने चीज़ देखी है
ब्लश यहाँ लगा के ना यहाँ भी हल्का सा लगाती, बट मैंने कुछ लड़कियों के इतने इतने यहाँ मेरे वो देखे, सॉरी सो वो ब्लश नहीं, हाँ जो सॉरी बाबा इतनी बेइज्जती करने की तो जरूरत नहीं है यार, चलो ना सॉरी बट आई कुडंट स्टॉप गाइस, वो ब्लश नहीं होता, जस्ट टू लेट यू नो इट्स अ कंटूर और ब्रोंजर, बट राबिया ब्लश अपना आज मैं लगाऊंगा ब्लश यहाँ का। अच्छा यहाँ पे हम लगा रहे हैं क्रीमी ब्लश जो कि है फेंटी का, लेकिन हम आज बिकॉज हम हाई पोनी कर रहे हैं, हाफ हाई पोनी कर रहे हैं, हाफ टाई बेसिकली, सो हम आई एम गोना यूज अ लॉट ऑफ ब्रॉन्ज ऑन हर स्किन टुडे। उससे क्या होगा? स्नैच लुक। व्हाट इज अ स्नैच लुक? लाइक खिंचावा। ओह ओके। आजकल जो ना राबिया को ब्राउन रंग के लाइनर्स लगाने का शौक चढ़ा है। It was your tip, I picked it up. It's very nice. Yeah. I'm so proud of you, Rabia. बाकी भी कोशिश की लेकिन वैसा हो नहीं सका, तो बस जो हो रहा था नहीं, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है जितना पॉसिबल। अच्छा अब हम लेंगे एक अगेन द सेम ब्यूटी ब्लेंडर और मैं इनकी आंख के नीचे, ये बेकिंग जो होता है वो राइट, हाय शुक्र याद है, आता है मुझे थोड़ा बहुत तो पता है मुझे। अच्छा राबिया ने कुछ दिन कुछ महीने पहले मुझे मैसेज किया आफ्टर दैट वीडियो दैट वी डिड इट टुगेदर, शी इज लाइक अच्छा सुने वो क्या शेड था, क्या मैंने इनको बताया, डिड यू गेट ऑल द स्टफ? Not all the stuff, but yes. पता है वो तो नार्स का जो ब्लश था, कौन सा नार्स का जो भी ब्लश था, कौन सा नाम बताएं जो भी ब्लश था वो आउट ऑफ स्टॉक। अच्छा ऑर्गेज्म बोलने में क्या शर्मिंदगी? कोई शर्मिंदगी नहीं, आपने बोल दिया। नहीं आप बोल रहे, नो यू से काफी चैनल है तो मैं दुपट्टा कहां है मेरा भाई, वो आउट ऑफ स्टॉक था, मुझे पता है कितनी जगहों से मुझे पूछा और वो मुझे मिल ही नहीं रहा था, लेकिन अब मुझे मिल गया वो फाइनली। But have you tried it on? Yes, I have it. How is it on you? I love it. वो ये आप आँखों पे भी लगा सकते हैं by the way. अब इतनी adventurous नहीं हूँ मैं। तो एक काम करते हैं, हम चैनल खोल लेते हैं राबिया के मसले। Sponsored by Baba Zaheer, है ना? Sponsored by? Sponsored by Maybelline, L'Oreal, whatever. L'Oreal, हाँ, idea देखें कितना अच्छा है। और अब ये क्या लगा रहे हैं? Loose powder पूरे फेस पे हल्का हल्का। Okay. I don't use pressed powder in winters because उसकी कोई लेयर बन जाती है, शी डजंट लाइक टू मच मुंह पे कुछ भी। सो एज यू कैन सी वी आर डन विद हर स्किन, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, हम ब्रॉन्जर लगाएंगे। राबिया कौन सा कलर है ये? ब्रॉन्ज। हाँ और ये कलर क्या होता है? टेस्ट हो रहा है, गलत नाम ना बता दूं मैं। ये कौन सा रंग है? वावर गुलाबी। यू आर सो मीन। नो आई एम नॉट मीन, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि अच्छा ये कलर ऐसा होता है। आई नो यू आर नॉट कलर ब्लाइंड, बट आपने मुझे इस तरह बताया था ना कि पिंक यहाँ भी लगा लेते, तो मैं आपको इधर इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको समझ आ सके नेक्स्ट टाइम। ओके नाउ अगेन सेम, प्लीज डोंट लाफ। ओके मेकअप आउट? नो आई कांट डू दैट, आई न्यू इट दिस इज गोना हैपन विद मी, दैट आई कांट, बट आज मैं मेकअप नहीं करूंगा, आज करेंगे आप। नो डू इट अदरवाइज, मैं बताता हूँ, इट्स वेरी सिंपल व्हाट यू हैव टू डू। आई कैन नॉट डू इट, डू दिस, ओके डोंट मेक अ पाउट पाउट, यू जस्ट हैव टू डू दिस। ये पाउच ही तो है और क्या, नॉट मेक अ पाउच पाउच, व्हाट इज दिस? माय स्किन इज ग्लोइंग राइट नाउ, व्हाई? वेरी नाइस, यू लुकिंग वेरी नाइस। चलिए शाबाश, काम करें, शाबाश शाबाश, चलिए पाउच बनाए। मैं नहीं करूंगा राबी, पूरी एपिसोड यूं खत्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कौन पाउच से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम? हां हर काम से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दिस माय थिंग। या बहुत अच्छा है और आप कर सकते हैं मेरी पाउच के बगैर। या देखिए हंस हंस के बाल ही नीचे, बाल नीचे गिर गए मैं तो। पाउच हां वो हो गया ना? नहीं हुआ, हो गया, नहीं हुआ, हो गया। Rabhi, come on. I can't. You get a nice snatch look today. Please trust the process, trust the artist today. देखिए मैं कर रहा हूँ bronzing. क्या होता है? Okay. भाई अनस का एक किस्सा था बहुत funny. माहिरा का I was doing makeup, तो माहिरा ने पूछा अनस खाना खाओगे? You know what he did? He's like, she's like, ये क्या होता है? That's a no, right? Yeah, but I don't know which, in which language. हाँ, वो भी माहिरा खान को ऐसे बोला, अनस? That's आपने माहिरा खान को ऐसे बोला? वो she was offering her, offering him food कि खाना खा लो, he's like. But माहिरा खान को तो ऐसे नहीं बोलेंगे यार. अब हम रहेंगे pink color. अच्छा कभी कभार आपको लगता है ना कि आपके dark circles makeup के बाद ही visible हो रहे हैं? So what you can do, आप जो blush brush होता है, वो अपने आँख के नीचे लेके जाते हैं, तो उससे क्या होता है वो diffuse हो जाता है, जो ग्रेनेस आपकी आँख के नीचे होती है। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हैक जो मैंने कहीं सीखी है, मुझे खुद भी नहीं पता था। अच्छा कभी वो जो जैसे आपके पास पाउडर आई शेडो, उसको आपने लगाना हो, जैसे ब्राउन को मैं करती हूँ, तो क्या करें कि वो नीचे गिरने अवॉइड कर सकें? पहले आप आई मेकअप करें। ओके यू कैन ऐड वाटर इफ यू वांट टू। आज हम क्या कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट।
Today we're gonna do smoky eyes on Rabia. I love smoky eyes, by the way. Okay, we'll see. Nikalo beta, cotton bud do mujhe chhod do. So what we're doing? Acha, by the way, ek aur. Acha, maine bhi ek challenge hai aapke liye. Kya bataye? 3 steps mein smoky eyes karke bataye. To main sirf kajal use karunga, brown color. That's it. Oh wow, sirf. That's it. Chale. So main yahan pe le raha hu. Acha, main aapko ek bahut जो अपनी ट्रिक है मैं आपको बता रहा हूँ कि हम हमारे यहाँ जो काजल पेंसिल मिलती है काजल मिलता है वो ब्लीच करता है वो फैल जाता है ख़राब हो जाता है सो व्हाट आई यूज़ मेबेलिन का जेल लाइनर इट्स अ ब्लैक कलर का जेल लाइनर यहाँ अवेलेबल है बिल्कुल ईजिली अवेलेबल है ओके okay. और मैं कॉटन बड लेके पूरी रात 12 घंटे से पहले कहीं नहीं आपका काजल ये हिलेगा दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू 2500 रुपये का ये है काजल आप खरीदें और आपकी ज़िंदगी आसान बहुत फिर जरा वो सवाल कोई लेकिन मासूम सवाल होगा हाँ मासूम सवाल थैंक यू ये इसको अंदर से मतलब हाउ डू यू रिमूव इट कॉटन बड जिससे लगाया उसी से यूजिंग अ माइसीला वाटर और व्हाटएवर यू हैव बिकॉज़ वो आईज बर्न तो नहीं मैंने एक दफा कर दिया और फिर किसी मेकअप आर्टिस्ट के माइसीला वाटर अंदर नहीं डालते कभी भी हाँ लेकिन उसमें डिप करके नो जस्ट यूज अ प्लेन कॉटन बड और आपने क्या करना है अपनी वाटर लाइन पे रखी हूं फैला फेरेंगे तो उतर क्या आ जाता है काजल आपका तो माइसेलर वाटर में इसको टिप करके नहीं करके नहीं उसके बगैर हाँ, ये कंप्लीट हो जाएगा उधर बिकॉज़ हाँ, मैंने किया और फिर तो एक अजाब हो गया बर्न अगर आप अंदर लगाएंगे तो इट्स बैड फॉर योर आईज अच्छा यहाँ पे अब मैं इनको डेप्थ देने के लिए आंखों में पहले मैंने काजल लगाया यूजुअली मैं एंड में लगाता हूँ बट जस्ट टू लेट यू नो कि आप इस तरह भी कर सकते हैं मैं क्यों देते हैं ताकि आंखों में खाला गड्ढे नजर आए जैसे कि आप देखें मेरी आंखों में नेचुरली गड्ढे अम्मी की वजह से बड़े अच्छे जो गलाफी आंख जिसे कहते हैं मैंने अपनी तारीफ खुद कर दी कोई नहीं कर रहा तो बहुत गलाफी आंखें आपकी बाबर मैं तारीफ कर रही हूँ आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट सो मैं यहाँ पे ये हल्का सा यो वेलकम मैं ब्राउन आई शेडो ले रहा हूँ एक फ्लफी से ब्रश में और मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं इनकी आई लिड के ऊपर इसको फैलाऊंगा यू कैन टेक एनी ब्राउन आई शेडो नीड्स टू बी मैट नॉट लाइक शिमरी ठीक है डेप्थ हमेशा आप मैट आई शेडो से देते हैं to create hollows in your eyes acha you have to tell us how to smudge do teen tips ya kis tarah aasani se without making it look like ye kharab ho gaya hai kuch you know halka sa eyeliner laga ke jo halka sa yahan smudge karte hain to usse look bahut achhi aati hai main wohi karne wala hoon okay acha yahan pe main le raha hoon Krylon ka black eyeliner but it's water based jo water liner hota hai unka wo aur main isko geela karke liner brush ko So it's not cream, ये वो जो हाँ जो पुराने पेंट होता है पेंट पॉट जो होता है वो यस मैंने क्या करा है मैंने इनके थिक सा लाइनर करके लगाया है और थोड़ा डीप करके लगाएगा ताकि वो जब आप उसको ब्लेंड करें ब्राउन से या किसी भी कलर से उफ मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ अभी मैंने गौर से देखा है अपने आप को सॉरी बहुत अच्छा लग रहा है जी जी थैंक यू वेरी मच आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट दोबारा इसको मैंने ब्रश को किया आंखों ने सामने देखें मैं इनकी आंख इलॉन्गेट करूंगा लंबी वेरी नाइस यही रखना है बेटा मैंने लिया है डार्क ब्राउन आशारो और उसमें हल्का सा मैट ब्लैक आशारो मिक्स किया है और मैं इसको ब्लेंड करूंगा काजल को एज यू कैन सी जो मैंने इनके यहाँ डोरा बनाया था आंख में या विंग उसको मैं ब्लेंड करूंगा अच्छे अब देखिए कितना आसान तरीका है मैंने एक ब्लैक पॉट आईलाइनर लिया इसको ब्लेंड लगाया और किसी भी डार्क ब्राउन आई शेडो से इसको ब्लेंड कर दिया है इस तरह आपको बन जाती है स्मोकी आईज कभी भी ब्लेंड यहाँ नहीं करेंगे पहले आप ऑलवेज ब्लेंड योर लाइनर हियर ताकि वो एक अपना लाइक यू नो परफेक्टली ब्लेंड हो और देन टेक इट इनसाइड टू क्रिएट अ हॉलो मतलब बॉटम पे पहले करें या इनर आई की तरफ कहने आउटर कॉर्नर इनर कॉर्नर पे सॉरी इनर कॉर्नर पे पहले ब्लेंड करें यस और फिर बाई की तरफ लेके खोलें जैसे इनकी हार्श लाइन ड्रॉ की थी अब मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ अच्छे से So you're not in favor of those जो black बड़ी बड़ी harsh lines eyeliner या blue eyeliner? No eyeliner I don't mind. Okay. Because that's the look. Yeah. What you're creating but वो होता है ना कि आप liner लगाते हैं और या तो उसको रखें liner को या smudge करें वो जो बीच का जो liner होता है ना मोटा extra मोटा वो मुझे नहीं समझ आता
दैट्स नॉट कूल. और आप देखें मैं किस कदर एक्स्ट्रा ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, बिकॉज आई प्रेफर कि स्मोकी मेकअप नीड्स टू बी ब्लेंडेड. और मैंने बहुत ब्लैक ब्लैक नहीं किया इनके ऊपर आके, आई केप्ट अ लिटिल ब्राउन स्मोकी. सो कैन यू सी द डिफरेंस दोनों आँखों में, इस आँख में और इस आँख में? यहाँ और यहाँ में फर्क साफ ज़ाहिर. सो आई एम गोना रिपीट द सेम प्रोसीजर ऑन हर लेफ्ट आई. एक्नी अगर हो आपकी तो उस पर फाउंडेशन कैसे अप्लाई किया जाए या मेकअप कैसे, कुछ टिप्स हैं या कुछ? पिगमेंटेशन अगर आपको हो, नहीं एक्नी, एक्नी पॉन्ड स्किन जो होती है आपकी, उसके लिए अगर आपके हो मुंह पे ऑलरेडी दाने हो तो क्या? कोशिश करें कि मेकअप ना पहने, और अगर पहनना हो तो कम फाउंडेशन लगाएं. कंसीलर लेके आप जहाँ जहाँ आपको एक्नी हो आप सिर्फ उन स्पॉट पे, द बेस्ट कंसीलर व्हाट आई यूज नाउडेज इज दिस स्टार्ट, एंड इसका जो शेड मीडियम है आप कोई भी शेड यू कैन टेक इट अकॉर्डिंग टू योर स्किन, और सिर्फ आप अपनी एक्नी पे ये लगाएंगे इससे बहुत अच्छी कवरेज आती है. और कोशिश करें कि ना पहने, बिकॉज एक्नी पे आप जितना मेकअप लगाएंगे वो और एक्टिवेट होगी. सो आई वुड सजेस्ट कि वेयर लेस मेकअप. बिकॉज ऑफ दीज लाइट्स जो हम यूज़ करते हैं इंटरव्यूज़ में, तो मैं सनब्लॉक लगाती हूँ, बट अब मैं यही करा करूँ जैसे आपने किया, सनब्लॉक पहले लगा के फिर मैं ऑयल यूज़ करूँगी. तो वो बट डोंट यूज इट इन द गर्मी, लाइक इन समर्स डोंट वेयर इट, बिकॉज वैसे आपकी स्किन बहुत ऑयल प्रोड्यूस करती है समर्स में. सो दिस इज फॉर like very even dry or normal dry? Normal dry. No, don't use it. Okay. You use moisturizer instead of this in summers. This is for winters only. Okay. Or if you need extra glow, then you can put this. लेकिन पहले मैं sunblock लगा के ये करूँ. तो ये penetrate करेगा skin में या नहीं sunblock में? तो अच्छा, और अगर इसके अलावा कोई और oil है that you would recommend using as a primer or instead of foundation या वो? There are. Do you believe in primers? I do, but I don't use it. पता नहीं क्यों. समर्स में शायद मैं यूज़ कर लूँ बेनिफिट का पोर मिनिमाइजर. अगर किसी की स्किन के पोर्स ज़्यादा बड़े हैं, इन लार्ज पोर्स जिसे कहते हैं हम लोग, अगर वो हैं तो मैं शायद उनके लगा लूँ, अदरवाइज आई डोंट यूज प्राइमर. आई प्रेप स्किन रियली वेल. सो अगर एक वो बैरियर जो देना है मेकअप और स्किन में, तो उस वो क्या बेस्ट है? दैट्स हाउ यू गिव बैरियर, ऑयल, देन लाइक यू नो ग्लो की चीज़ें, एंड देन लाइक मॉइस्चराइजर, देन सनब्लॉक. दिस इज द बैरियर फॉर योर स्किन. ठीक है, क्या आपकी स्किन डैमेज ना हो सनब्लॉक से, सन से. And by the way, you know, सबसे हाई ग्रेड सनब्लॉक किस में होता है? Do you know that? No. Makeup में. Really? Yes. But कौन सा makeup? कोई भी आप. Any makeup that is used, depend on the quality, what quality you're using. उसमें से हाई ग्रेड SPF यूज कर रहे होते हैं, like the highest quality of sunblock. अच्छा, as you can see, हमारा smoky eyes is almost done. और हम same line आँख के नीचे draw करेंगे. अच्छा, समर्स में और कौन सी चीज़ें जो नहीं यूज़ करनी चाहिए, बिकॉज अब कराची में तो समर फाउंडेशन ना पहनेगा समर्स में, बड़े गंदे क्रैक्स जो पड़ते हैं ना स्किन पे बहुत बुरे लगते हैं. इससे बेहतर है कंसीलर लगाएं. तो मुझे तो लगता है वो अजीब सा पिघल सा जाता है, तो इसीलिए पिघलता है बिकॉज हम समर में भी इतना ही फाउंडेशन लगाए, सर्दियों में लगा रहे हैं. तो बेहतर है सिर्फ समर्स में आप कंसीलर लगाएं, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू गाइस कि अपनी स्किन ब्रीथ करे गर्मियों के अंदर या सर्दियों में भी. तो जितना कम यूज़ करेंगे उतना कम आपका बेस फटेगा, उतना कम नकली लगेगा आपका चेहरा. Maybe a tinted moisturizer with sunblock and concealer. Yeah, that's more than enough. And you're for putting sunblock on the ये under eye पे? You can. Okay. अच्छा, मैं अब जो आँख के नीचे मैंने darker brown और dark black shade काजल का लगाया था, उसको मैं smudge करूँगा with a burgundy color like a maroon. अगर कोई मेकअप का कोर्स करना चाह रहा है, where would you like them to? Which place would you recommend? Here in Pakistan? Yes. Pivot Point है, there's a Crayon City, Makeup City. Oh, that I don't know. किधर है वो? Tariq Road पे. Okay, and that's good. Yeah, that's very good. Okay, and so ये जो दो जगह हैं जहाँ पे अगर कोई लड़कियाँ सीखना चाह रही हों. चाहे हाँ. And there's a Maimon Foundation in FB area, by the way. If you watching it from FB area side, it's also very good. But I don't know about कि वहाँ कैसा सिखाते हैं मेकअप. मैंने एक दो लोगों को देखा है. एज यू कैन सी मैंने डार्कर ब्राउन शेड लिया है और मैंने इनकी आँख के नीचे इसको ब्लेंड किया है, सो थोड़ा स्मोक आउट इफेक्ट आएगा आँख के नीचे. आप अगर नीचे कोई भी काजल लगा के फैलाएंगे इससे आपकी आँख का शेप दुगना हो जाता है, बड़ा हो जाता है. मुझे लगता है मैं ना दो तीन दिन ड्रामे देखते हैं, बस मैं इसी प्रैक्टिस इसी को प्रैक्टिस करते रहूँ. ओके, आई डेयर यू नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट सी इन काजल इन वन ऑफ योर एपिसोड्स. नो, चेंज डाउन एंड लुक अप. सी अप. गुड स्टूडेंट. चलें, इंशाल्लाह 100 एपिसोड्स तक तो सीख ही जाएंगे राबिया कुछ ना कुछ. कुछ एक मिनट एक दिन हम ऐसा करते हैं कि मैं बैठता हूँ, आप करें मेकअप. हाँ सही. एंड आई विल जज यू.
he loves doing that na, judge me. No, I'm not, I mean saying ke kitna seekha aapne do episodes mein usse. Ye bahut mushkil hai, but you can see ke main kaise makeup kar raha hu. Guys, you let us know in your comments ke main baithu Rabia makeup kare. How about that? And Babar ki commentary chal rahi ho. Soche, it'll be so much fun and I'll be so like मैं तो हंसती रहूंगी. नहीं, I want to do your good job. Okay. अच्छा, मुझे जब भी आप ये करके बीच में हो, वो लड़कियाँ जो अभी टीनेज, यू नो, मे बी 15-16 और वो मेकअप स्टार्ट करना शुरू कर रही हैं, तो उनके लिए क्या टिप्स या क्या गाइडलाइंस हैं, उन मदर्स के लिए क्या हैं कि वो किस तरह अपनी बेटियों को हेल्प कर सकती हैं, क्या दो तीन चीज़ों से स्टार्ट करें? आई थिंक टीनेज गर्ल्स जो उनको सनब्लॉक दिलवाएं, स्पेशली गर्ल्स, बॉयज आल्सो, क्योंकि वो स्कूल में जाते हैं, पीटी शीटी, लाइक यू नो, ग्राउंड में जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, सनब्लॉक नहीं लगाते हैं, टीनेज में उनके दाने निकल रहे होते हैं, तो जब तक आप उनको सिखाएंगे नहीं कि बेटा यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन फर्स्ट, कि आप सनब्लॉक लगा के उनको स्कूल भेजें एंड गिव देम अ सनब्लॉक कि आप अपनी बैग में रख के लेके जाएँ, और अगर आप बाहर जा रहे हैं आउटडोर तो जस्ट वेयर क्विकली वेयर अ सनब्लॉक. कि सनब्लॉक का ये है कि हम हर दो घंटे बाद यू हैव टू रिपीट इट, और 3 आवर्स हम क्या करते हैं, हमने बस एक बार लगाया कि अच्छा हाँ हो गया सनब्लॉक शाम तक, ऐसा नहीं है. इफ़ यू आर इन द हाउस इनडोर यू ऑल्सो हैव टू वेयर सनब्लॉक. सनब्लॉक इज नॉट फॉर आउटसाइड, फॉर इनसाइड ऑल्सो. सो दैट्स अ थिंग. बच्चों को आप बोले सनब्लॉक पहने एंड गिव देम अ ब्लश. अगर वो 9th, 10th या ओ लेवल्स में हैं, बच्चे हैं, तो उनको ब्लश देना स्टार्ट कर दें आप, कि ठीक है पुट अ मस्कारा लिटिल बिट, इफ दे वांट टू लुक लिटिल प्रेजेंटेबल, दैट्स द बेस्ट थिंग. डोंट गिव देम लिपस्टिक्स और लाइक यू नो आई मस्ट लाइक यू नो आई लैशेज करनी है, क्या आई लैशेज करवा दें. मैंने आई जस्ट मेट समबडी कुछ दिन पहले, वो बच्ची आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में थी या 7th में, एंड शी वॉज वेयरिंग अ फॉल्सीज प्रॉपर. आई वाज लाइक दैट्स टू मच फॉर मी. आई थिंक आई वुड नेवर अलाउ माई चाइल्ड कि इतनी छोटी उम्र में उनको मैं आई लैशेज एक्सप्लोर करवा दूँ. दे शुड डू इट बट एक सर्टन एज के बाद, कि वो अभी से इतना कुछ लगाना शुरू करेंगे अपनी स्किन पे तो स्किन जल्दी मेच्योर होती है. जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मेच्योर स्किन, सो जितना आप कम लगाएंगे उतना आपकी स्किन कम मेच्योर लगेगी. सो दैट्स द की, लेस इज ऑलवेज द बेस्ट. सो सनब्लॉक, and blush and mascara, maybe it. Or lip gloss and like a lip balm, whatever, yeah, like a tinted lip balm. Yeah, इसको ही हल्का सीधा लगा दें. I think you can start with this. Exactly. मैं बल्कि कहना चाहूँगी वो तमाम मदर्स जो बच्चियों को अपनी लेके जा रही हैं शॉपिंग के लिए, मस्कारा ब्लश बाद में खरीदें, सबसे पहले सनब्लॉक दिलवाएं. नहीं यूज करते, मैंने खुद बहुत अरसे बाद स्टार्ट किया है. So we never use it and it's very important. And अब तो I think इतना Instagram पे सब कुछ, everything is available there. You can find any product online. और आप जाके किसी भी स्टोर से ले सकते हैं अच्छा सनब्लॉक जो कि SPF 50 हो. और अगर आप बीचेस पे जा रहे हैं तो वेयर SPF 80 और 100. डोंट वेयर 80 और 100 ऑन अ डेली बेसिस बिकॉज इट्स वेरी हार्श. तो स्ट्रॉन्ग से क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय या दैट्स, मुझे लगता है वो स्किन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है. जो मैंने इतना कुछ पढ़ा है, देखा है कि SPF 100 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. इट्स ओनली रिकमेंडेड बाय पीपल जो कि हर वक्त, यानी कि जो बीचेस पे होते हैं लोग, उनके लिए. तो अब हमने क्या करना है, आईलैश आप खुद यूज़ करेंगे, आज आईलैश कर लो. दो आप, I'm so conscious. एक हाथ से, माशाल्लाह पलके तो आई नहीं. आई है, मैंने खींच के देखा था. कौन सी पलके आई है, पलके तो नीचे रखी हैं आपकी. ये देखिए अभी भी गलत, कोई जूम इन कर सकता है? गाइस आई एम गोना टीच यू. ओके ओके, क्लोज योर आईज. आईलैश कर्ल कर लिया करें अपनी, उससे आपका नहीं डरें, घबराए नहीं, घबराना नहीं है. Can you see the difference? Little bit? Yeah, little bit. अब लगाएंगे आप मस्कारा मेरे लिए. अच्छा ये भी मैं, oh, by the way, guys, I have to tell you, this Maybelline new, I don't know the name of this. Sky High mascara is amazing. Okay. It's very good. ये देखिए मुझे टिप आती है, पिछली बार बाबर ने किया था ऐसे करके. तो एक चीज में तो मैं पास हो गई, मस्कारा तो नहीं. आप वैसे ही पास हैं भाई, फूशिया मैगजीन इज पास. मैंने बिल्कुल हल्का ही लगाया बिकॉज़ यू सेड कम लगाना है. सिल्वर बटन, गोल्डन बटन कब आएगा आप लोग? इंशाल्लाह वेरी वेरी सून. ठीक है, मुझे भेज दे. कुछ दिनों की बात है. आपको कैसा लग रहा है अपना स्मोकी आईज? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक इंटरेस्टिंग. और आपकी आंखों का कलर जो है ना, वो थोड़ा इट्स लाइक अ हनी कलर, तो वो और लाइट लग रहा है. मेरा कलर चेंज हो गया है बिकॉज़ ऑफ द कोल काजल. या इट्स वेरी लाइट नाउ. हां, डार्क है मेरी वैसे, और लाइट में और इंटरेस्टिंग लग रहा है. या ये बहुत लाइट वाली यूज कर रहा हूं, बहुत थिक नहीं है. I just have to measure. अच्छा, लैशेज लगाने की ट्रिक, फर्स्ट यू हैव टू पूरा सेट लेके आपने रख के चेक करने है कितनी बड़ी है, कितनी काटनी है. बंद कीजिए, बंद करके. ओके ठीक है, सो हमने इसके दो स्ट्रैंड्स काटने हैं. दो स्ट्रैंड्स यूज कर रहे हैं, दो स्ट्रैंड्स बस निकाल रहे हैं. सॉरी. काट के अलग कर रहे हैं, देखें बेचारी नीचे गिर गई, वो गरीब नजर लग गई मेरी. मैं ये भी यूज़ करूँगा कभी कभार. देखिए मैंने इनकी आईलैश के आँख के शेप के हिसाब से आईलैश काटी है, दो स्ट्रैंड काट के अलग कर लिए.
अच्छा, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट अ आईलैश ग्लू. स्वीट टच हैज अ वेरी नाइस आईलैश ग्लू प्रमोटिंग स्वीट टच फॉर नो रीजन. अब आप इसमें फूक मारेंगे बैठ के. गाइस, ये बहुत लोकल, बहुत लोकली मिलती है, बहुत बहुत अच्छी आईलैश ग्लू है. यू कैन ऑल्सो गेट इट फॉर लाइक 500 रुपीज. अच्छा, मुझे बताएं, आप जब टेंशन में होते हैं, कुछ सोच होते हैं, क्या करते हैं आप? नाखून खाते हैं? नहीं. या क्या करते हैं? नथिंग. उफ, मैं नाखून खाता हूं. दिस इज माय बिगेस्ट. मैं खाना खा सकती हूं. मुझे आई ईट अ लॉट. मुझे खाने के लिए उफ, तौबा. बट अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है कि मैं ये फाइटिंग कर रही हूं या हूं तबाना शुरू कर देता हूं. आप यू कैन ओपन योर आईज फॉर अ सेकंड. आई वांट टू सी. खोलें, देखें. ओके, नाइस, अमेजिंग, राइट? इतनी अभी तो मुझे जरा तकलीफ हो रही है, बट यू विल बी फाइन. गाना बा नहीं ना जहन में घूम रहा है. व्हिच वन? एक तो मैं इतना बुरा गाती हूँ ना. चलें गाएं, लेट्स हैव अ सिंगिंग कंपटीशन. नो वे. अच्छा चलें, मैं गाऊंगी. वो तो मैं वो वाला गुनगुना लूंगी जिसमें थोड़ा गुनगुना फंबल के गुनगुना. नो, इट्स गुनगुना दूंगी. गुनगुना दूंगी. हां, एक गाना सुनाता हूँ. वो था सदके तुम्हारे का गाना है. ठीक है, याद है? शानो बैठ के गाना गाती है. मैं आंखें खोल लूं या रहने दो? नहीं, बंद रहने दे. ओके, बाबा ने कहा आंखें बंद करा दो, बोलेगी नहीं. ज्यादा नखरे ही नहीं करेगी, आंखें बंद करा दो. माही वे तेरे वेखन लई चुख चरखा गली दे विच डावा मैं लुका पानी तंद कत दी दंद तेरिया यादा दे मैं पावा. That's it, मेरा गला खराब है. Sorry. You sing very well. Really? क्या आप गाते हैं, practice करते हैं? नहीं नहीं भाई, कुछ भी नहीं. है? ये fun मुझे बचपन से है. शौक है? No, I like singing. हाँ. हाँ, मैं बहुत गुनगुनाता हूँ घर में. अपनी बेटियों के लिए गाना गाता हूँ, अपनी अम्मा के लिए. कौन सा गाते हैं? बहुत सारे हैं. By the way, one of my favorite song, when I was a baby, I used to travel a lot. तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था, एक फिल्म आई थी रंग दे बसंती. उसमें याद है गाना था माँ वाला? माँ वाला. ओह, उफ अल्लाह, मैं वो गाना सुनता था, मैं रोता था. वो तो आंसू आ जाएंगे भाई. बट बड़ा सॉन्ग, उफ. अब हम लगा रहे हैं हाइलाइटर. देखिए, मैंने बातों में लगा के इनको आईलैशेस से इनका ध्यान हटा दिया. हाँ, वैसे हटा दिया था थोड़ी देर के लिए. आई फॉरगॉट, दोबारा याद आ गया. लेकिन हाउ इज इट लुकिंग गाइस, टेल अस. कॉमन सेंस. और आपको क्या लगता है कि अराबिया को कभी कभार खुद एफर्ट करके मेकअप करना चाहिए? अरे भाई, ये नहीं बोले, नीचे बहुत कमेंट्स आएंगे, सब मुझे ही बोलते हैं. नहीं, एडिटिंग कीजिएगा. देखें आप. हां, आई थिंक काजल लगा के बैठे किसी एक एपिसोड में. अच्छा चले, मैं कोशिश करूंगी. आजकल राबिया बड़ी स्टोरीज लगाती हैं अबाउट व्हाट यू फीलिंग. आई लाइक दैट. आज नहीं, मैं हमेशा से लगाती हूं. आपने मुझे अभी फॉलो करना. मैंने अभी फॉलो किया है, सॉरी. सो आई, मैंने कहा वाओ यार, दैट्स सो नाइस दैट व्हाटएवर शी इज थिंकिंग. You're putting up for people. It. Yes, yeah. That's so nice. Or whatever I pick up from around me, I talk about that. I always feel like, you know, कि अच्छा मैं कुछ upload करी तो उसका कोई मकसद हो. ये मैं उसके पीछे कुछ ना कुछ लिख देती हूँ, फिर भी कुछ लिख देती हूँ, कोई thought चली जाए. Like needs to be meaningful for you. I like whatever you're feeling, whatever you're like seeing. Some people can connect with it, and if I'm sharing a thought, कोई challenge का भी, then I kind of जो प्रोसेस मेरा होता है, यूजुअली आई सजेस्ट कि ये प्रोसेस होना चाहिए उस चैलेंज से निकलने का, मैं वो भी लिख देती हूँ कि दुआ मांग लें, किसी से जाके बात कर लें या कुछ भी, यू नो, व्हाटएवर. जैसे अ फ्रेंड ऑफ माइन माहिरा, 11-11 होती है. ये सुने, अ फ्रेंड ऑफ माय योर्स, माहिरा खान की बात कर रहे हैं आप जी? ओके, तो वो शी ऑलवेज मेक अ विश व्हेन इट्स 11-11. ओके, 12-12. हाँ, शी ऑलवेज पिक्स. हम गाड़ी में बैठे थे, कहीं जा रहे होंगे, शी इज लाइक मेक अ विश, इट्स 11-11. वी ऑलवेज मेक अ विश ऑन दैट, बाय द वे. So what we're doing now, we're gonna eyebrows बनाने, जो कि राबिया कभी नहीं बनाती या बनाते हैं, I don't know. मैं अब क्या जवाब दूँ, दोनों में मेरी बेइज्जती होगी. नहीं नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहा राबिया, why do you think बनाए तो इतने खराब बनाए कि लग नहीं रहा बनाते. नहीं बनाते हैं वैसे आप eyebrows? नहीं, मतलब वो थोड़ा सा ब्रश के साथ, वो जो बेनिफिट का नहीं है. I just use that. But fill करते हैं ना जो कि हल्का, बहुत हल्का. Okay, as you can see, I'm done with eyebrows and eyelashes. You can have a look. Eyebrows मुझे थोड़ी सी dark लग रही हैं. हाँ, मैंने बनाई हैं purposely dark. Okay. When you are not wearing anything on your face, just make your eyebrows darker, not darker than your hair, but you know, थोड़ा bold impression जाता है कि अच्छा, okay, eyebrows stand out करती हैं आपके face पे. Because सबसे पहले आप लोगों की eyebrows देखते हैं और आँखें देखते हैं. Yeah. So now quickly, I'm gonna do her lips.
So as you can see, we are done with the look, the new and improved Rabia. Improve? Improve. Improve. Of course, we've improved Bezati? Rabia. Not basically. I mean, in a good way, I'm saying. Mm-hmm. So, what do you think about this look, guys? It's something. With this half hype. Yeah. मैं इसको बहुत अच्छे से करना चाह रही थी, लेकिन मुझसे होता नहीं था कभी भी. So you did it. Okay. This is what you call a snatch look. खिंचे हुए बाल, खिंची हुई आंखें. और जब बाबर बना रहे थे, तो खूब खींच रहे थे मुझे. खींच रहे हैं मैंने. Rabia was doing this. मैंने कहा मतलब criteria ये कि पेन की आवाज निकली है. हाँ. और पिन लगाई तो. Beauty is pain, guys. मेरे हाथ में क्यों है? Beauty is pain. So. I think you can let us know in the comments. सुकून मिल रहा था कि जब राबिया की थी. ओह आउच. And don't you think the smoky eyes looks really really cool on her? आंखों में काजल की वजह से जो राबिया की अपना एक्चुअल कलर है आंखों का, हनी कलर वो ज्यादा पॉप हो रहा है. आप बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं? मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे डिफरेंट लग रहा है. अभी मैं कहती हूं होंठ नहीं बढ़ाना, होंठ. आई नो. आई लाइक लिटिल बिट क्यूपिड बो ऊपर से बनी हुई हो प्यारी. अभी अभी तो अच्छा है, अभी सही लग रहा है. मैंने कम बनाई है. हां वो मुझसे नहीं होता, वो सॉरी उस पे मैं और बाबर नहीं बीच में आ पा रहे हैं, कहीं आ ही गए हैं, बट वो बाकी सब ठीक है. और नकली पलके भी लगाई है मैंने राबिया. हां मैं भूल गई बातों में. वाकई अभी द मोर आई लाइट वेट बाय द वे, जितना मैं ज्यादा पहन भी ज़्यादा देख के लिए उतना आई एम गेटिंग यूज टू इट. अच्छा मैं वहाँ नहीं, मैं सिर्फ अपने आप को यहाँ देख रही हूँ, तो मुझे यहाँ तो शीशे में अच्छा लग रहा है अपना, बहुत कूल लग रहा है. आई डोंट नो एक्चुअली मैं कैसा लग रहा है, बट आई फील लाइक कूल. थैंक यू वेरी मच. आई विल टेक वगैरह से निकली हूँ मैं, कोई डाइवर्जेंट. आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, बट थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम. नो यू आर एंड डूइंग दिस एंड ऑल्सो शेयरिंग योर टिप्स विद अस. इट्स ऑलवेज not only entertaining to be doing this session with you, but also actually how about they should decide what look we should do next on Rabia. How about that? Okay. It'll be fun. I mean, this is the new look that I've created. And I really want you to guys let us know ke aapko next look kya dekhna hai Rabia ka and what we can do for you guys. Thank you so much for watching.